नमस्कार सभी को। अभी हम लोग मिल्की मशरूम के लिए केसिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए ये बालू है, ये रेत है, ये आपका जो नदी है, नदी का बालू है। इसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सिंपल बालू है जो कि आपको सीमेंट के साथ मिला के अक्सर घर बनाया जाता है। अभी ये होगा आपका 70% वेट होगा इसका। जैसे कि ये अगर 7 kg है तो वो हमें यूज करना है 1 kg, तो हमने उस हिसाब से इतना रेशियो इसमें वजन वजन कर रखा है। अब इसको मिलाइए। अब ये देखिए क्या है, ये आपका केचुआ सार है। ये केचुआ सार है, ये बहुत ही उत्तम है आपके मशरूम के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये केचुए के द्वारा बनाया जाता है, गोबर को इसमें प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है। अभी इसको एकदम अच्छे से मिक्सिंग कर देना है। ये हम लोगों को 13वें दिन में कर लेना रहता है मिल्की मशरूम। 15 दिन तक ऑलमोस्ट जितना भी वो रेडी होगा उसके बाद हमें उसको केसिंग कर देना है। देखिए इसको अच्छे से मिक्सिंग बना देना है। दैट्स इट, इतना सिंपल। अभी हम इसको थोड़ा सा प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के लिए इसमें हम चूना मिला सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, या सिंपल फॉर्मेलिन से भी हम इसको प्रेशराइज कर सकते हैं। अभी हम इसमें चूना पाउडर मिक्स करेंगे। लगभग 500 ग्राम जैसा चूना सफिशियंट रहेगा। ये टोटल वेट इसका 10 kg है। इसमें हमने 1 kg केचुआ सार यूज किया है और 7 kg हमने इसमें बालू यूज किया है, जो नदी का बालू रहता है, मिट्टी रहता है। बस अभी इसको अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों मिल्की मशरूम समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी टेम्परेचर हो आपका मिल्की उतना ही अच्छा होगा। मिल्की कई वेराइटीज़ के होते हैं, माइक्रोसाइबिया होता है, कैलोसाइबिया होता है। मार्केट में जो है, जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं मिल्की, दैत्य आकार के, गदा जैसा बड़ा, उनका डिमांड कम है। जो छोटे छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट बटन जैसे दिखते हैं, मीडियम साइज़ के रहते हैं, उनका डिमांड अच्छा है, उसका प्राइस भी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको स्पॉन सिलेक्शन में ऑब्वियसली ध्यान रखना है, पता करना है लेबोरेटरी से कि ये कौन सा कल्चर है, इसका मिल्की कैसा बनता है, ये ऑब्वियसली आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आप लोग हमें भी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, हम लोग अपने एंड से आपके रिक्वायरमेंट हिसाब से हम आपको स्पॉन सही मार्केट दर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता करना है कि कहाँ बेचे मिल्की, अगर आपके पास लोकल में मार्केट नहीं है, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने स्प्रे बना रखा है, वो स्प्रे दिखाइए। उसमें बहुत ही माइन्यूट मात्रा में नीम ऑयल है और थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स फॉर्मेलिन है और सिंपल वाटर है। इसको भी अच्छे से पानी में इसको स्प्रे कर दीजिए, इससे इसमें मॉइस्चर क्वांटिटी भी आ जाएगी, साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जीवाणु जो है चले जाएंगे। अभी हम इसको एक अलग से लोकेशन में प्लास्टिक में अच्छे से भर के ढक के 24 आवर के लिए रख देंगे। ये बनाया हुआ कंपोस्ट अच्छे से प्लास्टिक में एयर टाइट करके बांध के रख देना है। 24 आवर इसको रहने देना है, इसका सारा प्रोसेस जो है हो जाएगा। ये सब मिल्की मशरूम के बैग हैं। अभी हम इसमें केसिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इनको खोल लेना है ऊपर से, और ये हमने प्रिपेयर्ड जो केसिंग किया है उसको
डेढ़ दो इंच का केसिंग एनाफ होगा। अच्छे से ऊपर का पूरा पोर्शन कवर कर देना है। ये जो केसिंग है इसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए, डेली आपको चेक करते रहना है, गीला गीला भाव रहना चाहिए। अगर लगता है कभी तो यहाँ छेद कर सकते हैं, ये जो बैग है बैग के नीचे एक छेद कर सकते हैं, ताकि कभी अगर यहाँ पानी एक्सेस जाए तो धीरे धीरे रिस रिस के सारा पानी निकल जाए। अभी कुछ ही दिन में ये सारा का सारा केसिंग भी वाइट होने लगेगा। जब ये केसिंग वाइट होता है, जब आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये केसिंग में माइसिलिंग ब्रन होने लग गया है, तब इसे खरोच खरोच देना है, खरोच खरोच देना है, माइसिलम अच्छे से फैलेगा और अच्छे से रन होगा। तो पूरा रन हो जाएगा स्प्रे करते करते, धीरे धीरे यही से आपका मशरूम पॉप होने लगेगा। काफ़ी हद तक इस तरह से आप लोग बटन मशरूम भी कर सकते हैं बैग में, हम उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करेंगे। अभी आप मिल्की मशरूम की फार्मिंग देख रहे हैं। ये एक हाइब्रिड सेड है, इसमें हम मिल्की और ओयस्टर दोनों एक साथ कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम कोशिश करेंगे हम आपको समय समय पर मशरूम के विषय में जो भी जानकारी है प्रदान कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करिए, अपने फीडबैक शेयर करिए, कुछ सवाल है ज़रूर पूछिए, हमारे वेबसाइट को विज़िट करिए आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।